कटनी में मिशन चौक ओवरब्रिज के नीचे सीसी रोड का कार्य हाल ही में ब्रिज निर्माण कंपनी द्वारा किया गया। जब रोड निर्माण कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा था तो जिला प्रशासन ने आंदोलन को निकलने के लिए परिवर्तित मार्ग से जाने के लिए मार्ग दिया, जिससे निर्माण कार्य में बाधा न आए और इस दौरान निकलने वाले राहगीरों को 10 दिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि इस निर्माण कार्य के दौरान सागर ब्रिज के नीचे पुराने लोहे का जाल निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पुनः डालने के कारण लोहा अंदर धस जाने से निकलने वाले राहगीरों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार आज शनिवार के दिन एक व्यक्ति जो उधर से निकल रहा था अचानक उस लोहे के जाल में आकर गिर गया, जिसे काफी चोट भी पहुंची है। अगर जल्द से जल्द लोहे के जाल को व्यवस्थित ढंग से नहीं लगाया गया तो आगे कोई भी बड़ी घटना इस दौरान घटित हो सकती है। इसके साथ ही नए बने ओवर ब्रिज की स्ट्रीट लाइट, जब से ब्रिज बना है कुछ ही दिन लाइट का उपयोग किया गया है, अब ब्रिज से निकलने वाली जनता अंधेरे पर निकलने को मजबूर है। नई लगी स्ट्रीट लाइट सिर्फ ब्रिज की शोभा बढ़ा रही है और नगर निगम बड़े हादसे का इंतजार करने पर आतुर है। पुलिया के पास जो जाली लगी हुई है उधर पर वो जाली धस गई है, वहाँ आने जाने में अवरुद्ध होता है, मतलब कोई भी घटना हो सकती है। और अभी कल प्रेजेंट में तुम्हारे से एक एक्सीडेंट भी हो चुका है और होते रहते हैं वहाँ पे हर समय पे। वो सागर पुलिया की जो निर्माण कार है उसको सही करने के लिए आप लोगों से अनुरोध किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द अच्छा करवाएं ताकि आगे अप्रिय कोई घटना और भी ना हो सके। अगर पुल के नीचे जो निर्माणाधीन है 85 करोड़ का जो ब्रिज बना, उसमें एक टाट में मकबल में टाट का पैबंद लगा जहां लोग रोज गिर रहे हैं। सागर पुलिया के नीचे जो क्रॉस में लोहे की जाली लगी है, बहुत ही घटिया लगी है, जो दब गई है। अभी ये मेरे सामने आ रहा था, एक स्कूटी सवार महिला गिर गई थी, हम लोगों ने उठाया, इसी तरीके से लोग गिर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि ब्रिज तो बन जाते हैं मगर नगर निगम हैंडओवर नहीं लेती। आज तक अपने खैरनी फाटक का ब्रिज नगर निगम ने हैंडओवर नहीं लिया, इसी प्रकार से इसको हैंडओवर नहीं ले रहे हैं। अंधेरा है और ब्रिज के नीचे तो लोगों की मौत का सामान रखा है, इसकी जवाबदेही किसकी बनती? तो कलेक्टर साहब को संज्ञान लेकर के लापरवाह संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।